और फिर माफी मांगी है कांग्रेस ने, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो देश के साथ अन्याय वर्षों तक किया है और जो देश को कमजोर भी किया, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि भारत की स्थिति होती। हमारे साथ वाले देश आज विकसित देश बन गए हैं और भारत को आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति मिली। मंत्री जमानत पर चल रहे केजरीवाल की 7 दिनों की उन्होंने और मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि और मिल जाए, लेकिन वो खारिज कर दी गई है। देखिए, उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ, झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी। ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया। उन्हें का एक सवाल जरूर पूछ लेता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी खुद को भगवान समझने लगे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या बनती है उन्हें की प्रतिक्रिया? कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। कभी अपमान करते थे कांग्रेस के लोग, अब वो कभी राम भगवान को भी काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को ना के नाम बताते हैं, राम मंदिर को कोई कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ताला लगाने की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। और मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है वो गरीब कल्याण आज तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस ने 60 साल तक लोगों को ठगा, गरीबी हटाओ के नारे देती रही, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी। लेकिन जिस गरीब को पक्का मकान, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में इलाज मिला होगा और पानी उसके घर द्वार तक पहुंचा होगा, उसके लिए तो मोदी जी एक बड़ा वरदान है जो ईश्वर उनके लिए कर सकता है। वो ईश्वर की कृपा रही तभी जाके ये सरकार बनी और ईश्वर की कृपा से ही गरीबों का कल्याण मोदी जी कर पाए। अच्छा, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि आपके सांसद आपके बीच में है, वो सूट बूट पहन के जो है दिल्ली में बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं और पीएम भी जो है वाराणसी कभी नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते। ये नेहरू गांधी परिवार की प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि देश आगे ही ना बढ़े, इसलिए अमेठी रायबरेली में कभी जाइए आपको झुगियां झुगियां और झुगियां ही दिखती थी, शौचालय नहीं थे, लोग खुले में शौच करने बैठे रहते थे। ये तो मोदी जी आए, पक्के मकान बनाए, शौचालय दिलाए, वरना नेहरू गांधी परिवार ने कुछ दिया नहीं। और वो तो कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि एक किसान का बेटा, एक प्रोफेसर का बेटा, एक फौजी कभी मोदी जी के साथ जुड़ जाए। अरे भाई, हमारे मोदी जी खुद अपने गरीब परिवार से आते हैं, अपना मान सम्मान कमाया है, नाम कमाया है। अगर उनको मेरे और मोदी जी से कोई प्रॉब्लम है तो प्रियंका जी की प्रॉब्लम है, लेकिन हिमाचल के लोग बहुत खुश होते हैं जब मुझे मोदी जी के संग देखते हैं और मोदी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर देखते हैं। कांग्रेस के लोगों ने हिमाचल को अपमानित करने के लिए ये कहा था कि हिमाचल का छोकरा, तंज कसते हुए कहा था। पूरे हिमाचल ने कहा मैं भी हिमाचल का छोकरा। और प्रियंका जी कान खोल के सुन लो, आज भी हिमाचल के छोकरों को जनता दिल से चाहती है, क्योंकि ये छोकरा उनकी आवाज है और आप लोगों की कांग्रेस की बोलती भी बंद कराता है और आपके घोटालों को भी उजागर करते थे, आपके खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष भी करते थे। और आप 16 महीने के बाद हिमाचल आई, जो 16 महीने पहले गारंटियां देके गई थी उसमें कोई बात नहीं की, लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन 1500 रुपए की बात नहीं कर सकती हूं। अरे 16 महीने में क्या दिया? 24,000 देनदारी होगी आपकी, क्यों नहीं दिया? और एक और सवाल, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं लिया? 1 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी, वीडियो है मेरा उनका, मैं दिखाऊंगा, आप भी दिखाइए। और 300 यूनिट बिजली के क्यों नहीं दिए? ये गारंटियों की पर एक भी बात ना भाई ना बहन दोनों ने की, 4-4 गारंटियां और दे गए। हिमाचल की जनता समझदार है, जनता का अपमान ना करें। अगर आप अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हो, मोदी जी पर कसते हो, तो ये हिमाचल और हिंदुस्तान की जनता पर तंज कस रहे हो। सर, 1 तारीख को क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हिमाचल के लोगों को यही कहूंगा, पिछली बार भी 4 की 4 लोकसभा सीटें जिताई थी, अब की बार भी चौका लगाओ, मोदी सरकार बनाओ।